पटना में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को आया गुस्सा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में फाड़ी एडीजी की चिट्ठी, नीतीश सरकार पर साधा निशाना। चिट्ठी में प्रवासी मजदूरों की वापसी पर जताई गई थी अपराध बढ़ने की आशंका। कहा भैया डेट क्या है भूल को सुधारने के लिए? कितना दिन लगेगा भूल को सुधारने के लिए? कितना दिन लगेगा? क्या उम्मीद कर सकते हैं सरकार क्या काम करेगी? तो बड़ी निकम्मी है। जब इस और ये अवमान भी है, ये लिख भी कैसे सकती, भूल भी कैसे हो सकता है? इसको तो फाड़ करके फेंक देना चाहिए ऐसे चिट्ठी का। हरियाणा के हिसार में बीजेपी नेता और टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट की दबंगई, पुलिस के सामने ही मार्केट कमेटी अफसर को सैंडल से पीटा, मामूली बहस के बाद छोड़ा हाथ, कांग्रेस का आरोप, खट्टर की तानाशाह सरकार। देश में लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं कोरोना के केस, 24 घंटे में कोरोना के करीब 10,000 नए मामले आए सामने, 273 लोगों की गई जान, कुल केस 2,26,000 के पार। दिल्ली में एक दिन में 1,350 से ज्यादा मामले आए सामने, उधर मुंबई में 45,000 तक पहुंचा कुल आंकड़ा। कोरोना के रोजाना बढ़ते मामलों को लेकर दुनिया में टॉप 3 पर पहुंचा भारत। गुजरात में राज्यसभा चुनाव की गहमा गहमी, राज्यसभा चुनाव की तारीख नजदीक आते ही कांग्रेस के 3 विधायकों का इस्तीफा, मोरबी से कांग्रेस विधायक ब्रजेश मिर्जा ने पार्टी से दिया इस्तीफा, इससे पहले करजन से कांग्रेस विधायक अक्षय पटेल और कपराडा के विधायक जीतू चौधरी ने पार्टी छोड़ने का किया था फैसला। इसी के साथ कांग्रेस छोड़ने वाले विधायकों की संख्या हुई 8, मार्च में कांग्रेस के 5 विधायकों ने दिया था इस्तीफा। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में बड़ा सड़क हादसा, हादसे में 3 महिलाओं और 2 बच्चों समेत 9 लोगों की मौत, ट्रक से टक्कर के बाद कार के उड़े पर खचे,